let's discuss the variation of g with depth. So we are going to see what should be the acceleration due to gravity, what is the variation in the acceleration due to gravity with depth. ठीक है, पहले हमने किया था क्या, हाइट में. सो लेट दिस इज आवर अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ ओ, दिस इज इट्स रेडियस कैपिटल आर. तो रेडियस इधर बता देते हैं. दिस इज द पॉइंट ए ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जहां पर ग्रेविटी की वैल्यू स्मॉल जी ले रहे हैं, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और अब देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को नीचे लेकर के आएंगे सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, तो क्या एक्सेलरेशन चेंज होगा या नहीं. ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या अज्यूम कर लिया कि लेट सपोज हम इसको लेकर के आ गए कहां पर, डी डिस्टेंस नीचे. सो डेप्थ कितनी डेप्थ तक लेकर के आ गए, डी डिस्टेंस नीचे. अगर डी डिस्टेंस नीचे लेकर के आ चुके हैं तो व्हाट शुड बी दिस डिस्टेंस, ओ से बी पॉइंट की डिस्टेंस. ये बी पॉइंट मान लिया जहां पर हम ऑब्जेक्ट को लाए, तो ओ से बी बी तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आर माइनस डी. अच्छा, ये अर्थ है, अर्थ कैसी है, सॉलिड, इट इज नॉट अ होलो स्फीयर, इट इज अ सॉलिड फिगर. तो यहां पर मैं एक ये जो आर माइनस डी है उसको रेडियस मानते हुए एक रीजन शेड कर देता हूं, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये सॉलिड है, पूरी बाहर भी सॉलिड है और बी पॉइंट पे लाए तो अंदर और बाहर पूरा ये सॉलिड फिगर चल रहा है. ठीक, अच्छा, अब एक चीज का आपको ध्यान में रखना है कि जो ग्रेविटी या कोई सा भी जो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होता है, वो उसके दो स्पेशल केस होते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, हॉलो शेल्स के लिए एंड सॉलिड स्फीयर्स के लिए. तो होलो शेल के अंदर और सॉलिड फिगर में आपको क्या डिफरेंस होता है, तो यहां पे दो केसेस बनते हैं, होलो फिगर के लिए भी और सॉलिड फिगर के लिए भी. तो होलो और सॉलिड के एक कॉमन केस की बात कर रहा हूं, केस हम जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं कि मान लीजिए ये कोई सॉलिड स्फीयर है या होलो स्फीयर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. ये मैंने दोनों ही बना दिए, ठीक है. जो मास है वो अनदर मास m मास, इसका मास मान लिया इस होलो स्फीयर होलो शेल का मास m, जो टोटल मास है जिससे मिलकर के ये शेल बना है, इसका टोटल मास कितना मान लिया कैपिटल m, और स्मॉल m मास से बाहर. सिमिलरली इसका भी टोटल मास हमने मान लिया सॉलिड स्फीयर का m कैपिटल m, और जो स्मॉल मास है स्मॉल m इट इज आउटसाइड. देन अगर कोई भी रेगुलर फिगर हो, चाहे वो होलो शेल हो स्फीयर हो, कोई सा भी रेगुलर फिगर हो, तो अगर आप मास जिसके लिए आप ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेक करने वाले हैं, वो पॉइंट मास अगर बाहर है इस पूरे सिस्टम के, तो इस पूरे सिस्टम का मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे कंसिडर किया जाता है. क्या बोल रहा हूं मैं, ये था शेल, इस शेल का पूरा मास हम कॉन्सेंट्रेट कहां मान लेते हैं, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर. कब, जब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी मास पर इस तरह से लग रहा हो कि वो एम मास लगाने वाले मास के रीजन के बाहर लाई कर रहा हो. तो मैं इसको क्या लिखूंगा, व्हेन इस पॉइंट मान लिया कि ये जो एम मास है वो पी पॉइंट पर लग रहा है, तो मैंने इसको केस दे दिया व्हेन P point lies outside the system. और ये लाइन लिखते ही आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. P point lies outside the system. तो अगर सिस्टम के बाहर P point lie करता है तो पूरा मास यहां कॉन्सेंट्रेट मानेंगे, और हम अब इनके बीच की जनरल डिस्टेंस जो भी है R है, और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आराम से, क्या G m1 m2 upon r square. ये दोनों के लिए वैलिड है, सॉलिड हो होलो, ये चीज अभी तक आप लोग करते हुए आए हो. लेकिन एक स्पेशल कंडीशन केस टू, व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द सिस्टम.
क्या होगा कि जब पी पॉइंट इनसाइड द सिस्टम लाई करे उस सिचुएशन में थोड़ी चीजें बदल जाएंगी। क्या बदलेंगी? फर्स्ट फॉर होलोस्फेयर, होलोस्फेयर बोलिए या शेल बोलिए एक ही बात है, शेल का मतलब ही होलोस्फेयर होता है, ठीक है। तो अगर जो स्मॉल एम मास है वो इस, मान लिया मैंने ये रिंग स्ट्रक्चर भी मान सकते हो आप, और जिस तरह की आपको पता है कि टेनिस बॉल होती है, टेनिस बॉल क्या होती है, पूरा मास किस पर है, सिर्फ सरफेस, सरफेस पर, अंदर पूरी क्या है वो होलो है, तो ये है होलो स्फीयर, ये रिंग शेप, इसका ये इंटरनल रीजन, लेकिन ये इंटरनल रीजन इसके लिए भी आउटसाइड ही कहलाएगा, ध्यान रखना। तो हम ऐसे की बात कर रहे हैं जिसके अंदर पूरा, पूरी एयर भरी हुई एक तरह से आप, है ना, पूरा मास क्या है, सिर्फ और सिर्फ कहां पे लाई कर रहा है, सरफेस पर, उस सरफेस के अंदर कहीं पे आपने पी पॉइंट बोल दिया, तो इस पी पॉइंट पर अगर स्मॉल एम मास लाएं और इस पूरी सरफेस का टोटल मास अगर कैपिटल एम हो तो इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होता है। क्या बोल रहा हूं कि अगर P पॉइंट इनसाइड लाई करे सिस्टम के, कब, प्रोवाइडेड होलो शेल हो या होलो स्फीयर हो, ये रिंग है और ये है होलो स्फीयर, ये रिंग के लिए आउटसाइड पॉइंट ही कहलाएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि रिंग का मास यहां पर है जबकि इसने पूरा कवर कर रखा था, यस और नो, समझ में आ रहा है? हाँ, इसके अंदर कहीं बोलता, मान लीजिए कि होलो, जैसे पाइप होता है, पाइप लिया, होलो पाइप, उसको बेंड कर दिया, ये रिंग बन गई, उस पाइप के अंदर किसी पॉइंट पर मैं यहां पे पी पॉइंट ले लूं तो ये एक तरह का होलो पाइप है या होलो रिंग है, तब इसको मैं होलो रिंग बोल रहा हूं। लेकिन जो कड़ा पहनते हैं वो क्या है, सॉलिड रिंग है, उस सॉलिड रिंग की बात नहीं कर रहे, तो होलो पाइप या होलो स्फेयर के इंटरनल इनसाइड जो एयर स्पेस है उसमें कहीं पे भी अगर दूसरा मास रख दिया जाए तो उस पर इस पूरे सिस्टम के कारण कोई फोर्स नहीं लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं शेल थ्योरम, क्या बोलते हैं इसको, शेल थ्योरम, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं उसकी कि ऐसा क्यों हो पाता होगा या ऐसा कैसे हो सकता होगा। अब देखिए, जब यहां पर ये पॉइंट बाहर है तो ये सिस्टम, ये इसको कई सारे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ मान ले, हर एक मास क्या कर रहा होगा, इसको सिर्फ अपनी तरफ, हमें इस पर फोर्स निकालना है इस पूरे सिस्टम के कारण, तो हर एक स्मॉल स्मॉल मास सभी तरफ से इसके ऊपर इधर ही फोर्स लगा रहा होगा। मान लीजिए, अब मैंने इसको समझाने के लिए दिया कि ये वाला मैंने सॉलिड रिंग ले रखी है, अभी ये कैसी है, सॉलिड रिंग, ठीक है, इसका ये मास कंसीडर करूं इस पॉइंट पर तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर आएगा, ये एरो लगा दिया मैंने, ये चीज समझ में आती है आप लोगों को, ठीक है। इसके अपोजिट भी एक मास लूं तो भी उसकी डायरेक्शन क्या, इधर की तरफ ही है, टुवर्ड्स द सेंटर, बिल्कुल, जब अपोजिट ले लिया। लेकिन मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया तो इसके कारण इस ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, कहीं पे भी दो पॉइंट रखे हो, दो मास रखे हो, इनके सेंटर टू सेंटर वाली डिस्टेंस की तरफ होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस और नो। तो इसका फोर्स जो होगा इस एम मास पर इस वाले एलिमेंट के कारण, इस एलिमेंट के कारण वो इधर की तरफ आएगा। इसके हम इस फोर्स के दो क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट ले सकते हैं, एक टुवर्ड्स द सेंटर और एक परपेंडिकुलर टू द सेंटर वाला। तो ये है सेंट्रल लाइन, दिस इज द सेंट्रल लाइन, एक कंपोनेंट मैंने ले लिया किस डायरेक्शन की तरफ, इस एफ फोर्स का एक कंपोनेंट लिया इधर और एक कंपोनेंट लिया इस सेंटर के परपेंडिकुलर। इसी के सिमेट्रिक एक और एलिमेंट बिल्कुल बराबर मास का, सेम मास का यहां पे लिया, इसके कारण भी फोर्स
इधर ही लगेगा, यस और नो? दोनों सिमेट्रिक हैं तो एंगल वगैरह एवरीथिंग विल बी मास, सब चीजें सेम होंगी, डिस्टेंस वाइज सब कुछ इक्वल होगा। लेकिन जब इसके कंपोनेंट लूंगा तो सेंटर की तरफ एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, ये का यही जो जहां पे ये था, और दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा? अगर ये टोटल 10 न्यूटन था तो इसका कंपोनेंट मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है थोड़ी देर के लिए, तो ये तो हो जाएगा 10 cos 60, और इधर का भी हो जाएगा 10 cos 60, जबकि ये हो जाएगा 10 sin 60, कौन से माइनस आई कैप, और ये हो जाएगा इधर 10 sin 60 प्लस आई कैप। क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्या? लेकिन ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्या? ऐसा सभी में होने वाला है क्या? देखो इधर लिया, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, फिर इसके अपोजिट सिमेट्रिक में लिया इधर, एक कंपोनेंट यहां और एक कंपोनेंट यहां। क्या ये वाले साइन कंपोनेंट एक दूसरे से हमेशा कैंसिल, इक्वल और अपोजिट होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ नेट फोर्स किस डायरेक्शन में बचेगा? टुवर्ड्स द, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जब भी पी पॉइंट आउटसाइड द सिस्टम लाई करेगा नेट फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर आएगा? इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, किस डायरेक्शन की तरफ एक्ट करता है? टुवर्ड्स द सेंटर। एक्सप्लेनेशन इसकी समझ में आ गई जब पी पॉइंट बाहर लाई कर रहा था, क्लियर है? इसके अंदर क्या होता है, अब इस चीज को समझिएगा, इसको बुक्स में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया। आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस पढ़े थे, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर, उसमें हमारे पास एक आता था एक्शन रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है? एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो इक्वल और अपोजिट होते हैं, लेकिन दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स पर लाई करते हैं, और ये हमेशा एक्सटर्नल पेयर फोर्सेस होते हैं या इंटरनल पेयर फोर्सेस होते हैं? इंटरनल पेयर फोर्सेस, क्या बोलेंगे? इंटरनल पेयर फोर्सेस। क्योंकि अगर इनका, इनके लिए एक सिस्टम बना लें, तो जैसे आप लोग हो अभी यहां पे बैठे हुए हो, ये क्लासरूम है और मैं हूं यहां पर, तो अभी आप सब लोग मासिव ऑब्जेक्ट्स हैं। आपको ध्यान हो तो एक लीनियर मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने स्टडी किया था। मैंने आपको पैसे दिए 100 रुपीज और आपके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, आप मान लीजिए अभी 10 यहां पर है, मान लिया हर एक को मैंने कितने कितने दे दिए, 10 10 रुपीज। मैं बैठ गया, मेरे बैठने के बाद क्या हुआ, किसी ने एक दूसरे से पैसे छीनना स्टार्ट कर दिए, किसी ने 5 रुपीज ले लिए, किसी ने 10 रुपीज दादागिरी लगा दी, है ना? तो सब लोग, किसी के पास जेब खाली हो गई, किसी की जेब भर गई, किसी के पास कम रह गए, किसी के पास ज्यादा। अगर मैं पूछूं टोटल इस पूरे सिस्टम का की वैल्यू कितनी है, पहले जितनी थी अभी भी उतनी है क्या? तो ये सिस्टम कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं आया, इस क्लासरूम से कोई बाहर नहीं गया, क्लासरूम के अंदर कोई नहीं आया, तो वो मनी वहीं के वहीं है। आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हो, मासिव ऑब्जेक्ट्स अगर किसी सिस्टम के अंदर होंगे तो इनिशियली ये एम मास का ऑब्जेक्ट U1 वेलोसिटी से M1 मास, M2 मास का ऑब्जेक्ट मान लीजिए U2 मास U2 वेलोसिटी से, M3 मास का ऑब्जेक्ट U3 वेलोसिटी से, सो ऑन, N मास ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये N डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। मूव करते टाइम क्या इनकी वेलोसिटीज चेंज होंगी कि नहीं होंगी जब कोलिजंस होगा तो? यस और नो? होगा, अंदर के अंदर तो होगा चेंज। लेकिन अगर मैं पूछूं नेट मोमेंटम, क्या नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा? ठीक है, क्योंकि बाहर से कुछ इफेक्ट आया नहीं है, अंदर से कुछ इफेक्ट बाहर गया नहीं है, तो नेट लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम पूछूं तो पहले था M1 U1 प्लस M2 U2 प्लस M3 U3 सो ऑन। अभी बाद में एक की अगर स्पीड कम हुई है तो उसका मतलब दूसरे की स्पीड बढ़ गई होगी, इस तरीके से कि टोटल कंजर्वेशन टोटल लीनियर मोमेंटम सेम बना रहेगा। इसलिए हम बोलेंगे कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना रहेगा, जीरो ऑफ द सिस्टम। यही काम इंटरनल फोर्सेस में हो रहा है। क्या हम ये बोल दें कि अगर M1 U1 था और
इसकी वेलोसिटी m1 वाले की वेलोसिटी बाद में v1 हो गई, क्या इसके मोमेंटम में चेंज आया इंडिविजुअली? चेंज आया ना, ठीक है। वन सेकेंड, तो m1 u1 थी, m1 v1 हो गई, क्या लीनियर मोमेंटम पहले p1 था और अब p1 डैश हो गया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम हुआ नहीं हुआ टाइम के रेस्पेक्ट में? एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F is equals to delta B upon delta T. P2 minus P1 upon T2 minus T1. तो इसका मतलब अगर linear momentum में change होगा तो एक force exert होगा, तो इसका मतलब इसमें इसमें एक force आ गया F1, लेकिन ये मान लीजिए कि ये M2 ने लगाया था इस पर force, तो इसका force और इसका force बराबर होगा कि नहीं होगा? Direction में equal, सॉरी मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट। तो क्या जो जितने भी फोर्स इसके अंदर F1, F2, F3 चल रहे होंगे सब कहीं ना कहीं एक्शन रिएक्शन ही चल रहे होंगे क्या? जो जिससे टकराएगा वो एक का एक्शन दूसरे का रिएक्शन, उसी के कारण मोमेंटम में चेंजेस आ रहे हैं। क्या सभी का नेट फोर्स जीरो होगा क्या? क्या एक्शन रिएक्शन का भी अगर सिस्टम के लिए पूछूं, ये सिस्टम है, एक ऑब्जेक्ट इससे टकराया, इधर ऐसे कोलिजन हुआ, तो इसने F1 फोर्स F12 लगाया, तो इसने F21 लगाया तो सिस्टम के अंदर अंदर ही है ना, दोनों एक्शन रिएक्शन है। पूरे सिस्टम का नेट फोर्स पूछूं तो कितना है? जीरो है। समझ में आया? इंटरनल फोर्सेस, तो एक आपको ध्यान हो, आपने ध्यान नहीं दिया होगा नोट्स में, मैंने बता भी रखा है आपको, नोट्स देखिएगा। नेट सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज जीरो, यस ऑर नो? लिखवा रखा है, याद आ रहा है? तो इंटरनल फोर्सेस, अब ध्यान से देखना एक में, अगर ये सिस्टम है होलोस्फेयर, होलोस्फेयर के अंदर क्या ये पूरा का पूरा मैं एक सिस्टम कंसीडर नहीं कर सकता? सिस्टम के अंदर ही पॉइंट चला गया तो जो भी इस पर फोर्सेस लगेंगे वो एक तरह से इंटरनल फोर्सेस हैं, और इंटरनल फोर्सेस का नेट सम, तो जब नेट सम जीरो हो गया तो नेट ग्रेविटेशन फोर्स क्या हुआ? इज दैट क्लियर? समझ में आता है? होलो के लिए कहीं पे भी हो पॉइंट इनसाइड द सिस्टम, होलो में कहीं पे भी हो, नेट सम क्या हो जाएगा? जीरो। सॉलिड के अंदर देखते हैं सॉलिड में क्या पंगा है। सॉलिड में ये डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, उसमें कुछ जगह जीरो है कुछ जगह जीरो नहीं है। वो क्यों नहीं है? देखो ये क्लियर है बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें? नहीं। देखिए अब मैंने बोला कि सॉलिड स्फीयर होगा तो क्या होगा साहब? ये सॉलिड स्फीयर ले लिया साहब मैंने, और इसके अंदर कहीं पे इस जगह पर मैं पॉइंट को ले आया और इस पर जाकर के मैंने एम मास रख दिया, ये इसका सेंटर था O सेंटर, P पॉइंट पर मैंने M मास रख दिया, यहां पर मैंने एक O से M डिस्टेंस जिसको मैं स्मॉल r बोल दूं, r रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान से देखिए ये पूरा हिस्सा जो इधर इस M के इधर अंदर, तो M पॉइंट इस पूरे सिस्टम के लिए आउटसाइड कहलाएगा नहीं कहलाएगा? आउटसाइड या ऑन द सरफेस? आउटसाइड या ऑन द सरफेस। तो ऑन द सरफेस को हम क्या कैसा कंसिडर करेंगे? आउटसाइड। तो आउटसाइड की वजह से इस पर तो फोर्स लगेगा लगेगा, लेकिन जो बाकी का स्पेस है, जो बाकी का स्पेस है वो क्या हो गया इसके लिए? ये पॉइंट इस बाकी के सिस्टम के लिए कहां पर है? इनसाइड। तो इनसाइड की वजह से ये इस पर अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, तो इधर वाला इधर लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, इस तरह से लगेगा नेट फोर्स, कि नेट फोर्स क्या आ जाएगा? जीरो। तो वो हिस्सा सॉलिड में जिसके लिए पॉइंट, जो हिस्सा पॉइंट के रेस्पेक्ट में बाहर है, उस हिस्से के कारण पॉइंट मास पर या मास एम पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए एम मास कहां पर लाई कर रहा है? इंटरनल रीजन में। एम मास कहां लाई कर रहा है? लेकिन वो हिस्सा जो एम के रेस्पेक्ट में अंदर है उसके लिए एम कहां लाई कर रहा है? आउटसाइड।
इस वजह से जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वही इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगा पाएगा। रिंग में या फिर होलोस्फेयर में पूरा जीरो क्यों है? क्योंकि अंदर कोई मास ही नहीं है ना, अंदर पूरे सिस्टम में कहीं मास ही नहीं है, मास तो सिर्फ ऊपर ही रह गया ना। तो एम पॉइंट पूरे के रेस्पेक्ट में इंटरनली कहलाएगा, कहीं पे भी रखो। अगर मैंने टेनिस बॉल रखी है यहां पे रखूं यहीं पे कहीं पे भी, तो इस पूरे मास के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट तो अंदर ही लाई कर रहा है इंटरनल, इसके रेस्पेक्ट में तो पूरा मास आउटसाइड है। समझ में आती है? कोई कंफ्यूजन? कितनों को समझ में आ गया? देखिए साहब, तो हमने बोला कि लेट एम इज द मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, ओ सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड डी डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस से ले रखी है हमने, सरफेस से। देन एट पॉइंट ए, फर्स्ट एट पॉइंट ए, इफ जी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, सरफेस पे ले रखा है, एम ए पॉइंट दिखा रखा है मैंने, देन व्हाट शुड बी द रिलेशन? स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। वी ऑलरेडी है, वी हैव ऑब्टेन्ड ऑलरेडी दिस रिलेशन, यस और नो? जल्दी जल्दी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इफ रो इज इक्वल्स टू, यहीं पे डिफाइन कर देते हैं, इफ रो इज uniform density of uniform mass density of earth, then density is equals to kya hota hai? Mass upon volume. To agar total mass ke respect mein kaam kare to yahan par kya likh dunga? Capital M upon 4 by 3 pi r cube, yes or no? 4 by 3 पाई आर क्यूब। यहां से एम मास डेंसिटी की टर्म्स में क्या आ गया? इसको पहले वापस लिख देता हूं, 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब। एम की वैल्यू कितनी मिल गई यहां से? 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू रो। इक्वेशन 2 से 1 में सब्सटीट्यूट कर दूं ये वैल्यू m की जगह, then what I'll get by 2 into 1, G is equals to G 4 pi R cube rho upon 3 upon R square, R cube से R square cancel, ऊपर एक R बच गया, क्या हो गया? Small G is equals to 4 pi G R O अपॉन 3, 4 पाई जी आर ओ अपॉन 3, इक्वेशन नंबर 3। ये हमने कहां पे कैलकुलेशन कर ली? एट पॉइंट ए पर। सेकंड, एट पॉइंट बी डेप्थ की बात चल रही है। जल्दी से बताइए, डेप्थ के लिए मास में मान लू कि पॉइंट बी पर जब मास ऑब्जेक्ट लाई कर रहा होगा तो इसके लिए रिमेनिंग मास एम डैश मान लिया, ठीक है? सो एट पॉइंट बी, जल्दी से बता सकते हो क्या कि स्मॉल एम मास और कैपिटल एम डैश के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? आर माइनस डी। और यहां पर हमने एट पॉइंट बी हमने मान लिया कि ग्रेविटी कितनी हो चुकी है, जी डी बोल दूं इसको, जी डी या जी डैश जो भी आप मानना चाहो, ठीक है? सो लेट जी डी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट, ड्यू टू ग्रेविटी एट बी पॉइंट।
then what should be the relation? GD should be equals to G m dash upon R minus D ka whole square, equation number 4, where m dash ko kaise find kar sakte hain? Density puchho, to density m dash ki terms mein kya hogi? M dash upon 4 by 3 pi R minus D ka whole cube, yes or no? M dash wale object ke liye. M dash वही इतना सा है, तो इसकी डेंसिटी पूछ रहा हूं अब तुम्हें, 4 by 3 पाई और उसकी रेडियस कितनी चल रही है? R minus D का क्यूब M dash वाले मास के लिए. समझ में आ गया क्या ये? सभी को क्लियर है? जल्दी से बताइए यहां से M dash कितना निकल गया? 4 by 3 पाई R minus D का होल क्यूब इंटू रो, इक्वेशन नंबर 5 से 4 में सब्स्टिट्यूट कर दो, बिल्कुल सिमिलर मैनर में कर रहे हैं. 5 into 4, we get GD is equals to कितना हो गया? G 4 by 3 pi R minus D का whole cube into rho upon R minus D का whole square, R minus D के cube से R minus D whole square cancel out, क्या बच गया? GD is equals to 4 by 3 G pi R minus D into rho, equation number 6. GD मिल गया और G मिल गया, हमें GD को इन टर्म्स में लेकर के आना है. G क्या कर दें? कंपेयर करना है. क्या कर दें? रेशियो. कंपेयर का मतलब रेशियो, बराबर होगा तो रेशियो वन आएगा, ठीक है कि नहीं? अगर y is equals to x square, y1 is equals to x square, y2 is equals to x square, y1 और y2 बराबर है तो उनका रेशियो वन आना चाहिए. बड़ा है तो greater than वन आना चाहिए, y1 बड़ा है तो, y1 छोटा है तो रेशियो लेस देन वन आना चाहिए. अगर y1 अपॉन y2 करूं तो मेरे को ये करना है, मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या कर दूं? GD अपॉन G निकाल लूं, क्या हो जाएगा? बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 GD upon G is equals to 4 by 3 pi G R minus D rho upon 4 by 3 pi G R rho, 4 by 3 pi G rho GD is equals to GD upon G is equals to R minus D upon, ऊपर कॉमन ले लूं क्या? R GD upon G is equals to, वैसे तो रिलेशन ये यहीं पे आ गया था, GD G minus D upon R है ना, तो ये बन गया 1 minus D upon R. या इसको आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर इंटू जी. आप खुद सोचो, जी डी और जी, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, विच क्वांटिटी इज ग्रेटर, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो फाइनल आंसर 1 से बड़ा या छोटा? छोटा. तो जी डी जी से कम हो गया या ज्यादा हो गया? ठीक है, इसको यहां पे लिख सकता हूं, यहीं से लिख सकता हूं, जी डी अपॉन जी, क्या इट इज लेस देन टू 1? आर माइनस डी अपॉन आर इज लेस देन टू 1. इस जी को उधर भेज दूं तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे? जी डी शुड बी लेस देन टू जी. सो डेप्थ पर जाने पर ग्रेविटी क्या हो गई है? कम हो गई है. तो जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी कम होती जाएगी. अगर आप गड्ढा खोदते खोदते टनल बनाते बनाते अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाओ, द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, हैव यू वॉच्ड दैट मूवी? है ना, तो ये मूवी भी है, द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, रॉक की. ठीक, देखो. So, यहां पे मैं इसका स्पेशल केस कर रहा हूं, इस अरे बातें नहीं केस.
अगर मैं डेप्थ कहां पर लेके जाऊं, एट द सेंटर, तो बताओ एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेविटी जीरो, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ डी कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल्स टू आर, ये डी इंक्रीज होते 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 आर बन जाएगा सेंटर पे आते ही दीपक, ठीक है, तो डी इज इक्वल्स टू आर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी डी, वन माइनस आर अपॉन आर इंटू जी, तो इसका मतलब G नॉट इज इक्वल टू जीरो, सेंटर पर ग्रेविटी कितनी होती है, तो अगर किसी तरीके से आप पहुंच गए तो वहां पर आपके ऊपर कोई ग्रेविटी वर्क वेटलेसनेस वाली कंडीशन आ जाएगी, जस्ट लाइक स्पेस है ना, स्पेस में फ्लोट होते हैं, ग्रेविटी नहीं लग रही, बस ये है कि जाना मुश्किल, नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ठीक है, तो ये क्लियर है, ठीक है, इसको नोट कीजिए।